आपको पता लगेगी। मैं सबसे पहले अपने वर्किंग डायरेक्टर साहब और हमारे बीच में हमारे सीईओ लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड और हमारे बीच में हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर पोल्ट्री हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर मेरा डेयरी फार्म है पंजाब सिंह डेयरी फार्म। मेरे पास ये दो एटीएम वाली गाड़ी है, ये दोनों गाड़ी से दूध सप्लाई होता है। दूध की क्वालिटी होगी तो दूध बिकेगा, दूध की क्वालिटी नहीं होगी तो दूध नहीं बिकेगा, कोई भी नहीं लेगा। हमारा दूध 10 साल से जा रहा है, मेरे पास ये गाड़ियां 6 साल से, एक गाड़ी अभी ली है एक पहले से है। दोनों गाड़ियों में 1000 लीटर दूध डेली जाता है मेरा, और दूध के लिए कोई कंप्लेन नहीं है। किसी करवाइए आप SNF फैट जो भी आप देखेंगे उसकी पूरी होगी। और दूध दूंगा इसके लिए जो हमारी जो जितनी मदद इस सब प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं ना, ऐसा आदमी हमें जिंदगी में कभी नहीं मिला, ना ही मिलेगा। क्योंकि ऐसा जो उन्होंने दिया, घर घर जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं आप लोग वही लेने वाले बनो। हम लोग ने तो सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा आदमी हमारे घर में जाके हम लोगों को इतना कुछ दे रहा है। हम लोग लेने वाले हो, लेने के लिए हमारे पास दाम चाहिए, देने के लिए उनके पास बहुत क्षमता बहुत ज्यादा। तो मैं अपने किसान भाइयों के माध्यम से आप सभी को जो है वो आज के इस मिल्क डे की राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ हमारा आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी है, उसकी भी शुभकामनाएं आप सभी को देता हूँ। आज जैसे हम पहली बार एक अच्छी तरह से राष्ट्रीय दुग्ध दिवस का यहाँ पे जो है वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जो भी हमारे किसान भाई है जिन्होंने इस मिल्क रिवोल्यूशन को आप देख रहे हैं कि हमारे वर्दी एलजी साहब की डायरेक्शंस और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब की जो मेहनत है, उनकी जो डायरेक्शंस है, उसकी वजह से आज हमारा जम्मू रीजन जो है वो काफ़ी मिल्क प्रोडक्शन में आगे बढ़ रहा है। एक मिल्क वाइट रिवॉल्यूशन जो है वो जम्मू रीजन में आ रहा है, उसके लिए मैं सारे हमारे किसान भाइयों का जो है वो धन्यवाद करता हूँ, डिपार्टमेंट को बधाई देता हूँ। और आने वाले दिनों में इसी तरीके से एक तो दूध का उत्पादन और किस तरीके से बढ़े, और सिर्फ उत्पादन ही नहीं उसी के साथ के दूध मिल्क प्रोडक्ट जो है उसको कैसे कन्वर्जन आने वाले दिनों में किसान भाइयों का हैंड होल्डिंग हो पाए, उसके लिए आने वाले दिनों में डिपार्टमेंट कोशिश करेगा। हमारी जो इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है, इसमें कोई भी पाबंदी जो है वो किसी प्रकार की सरकार ने लगाई नहीं हुई है। किसान भाई अपने माध्यम से जो भी करना चाहे, चाहे वो कॉपरेटिव बेसिस पे करना चाहे, सिंगुलरली करना चाहे, जितना यूनिट वो लगाना चाहे वो यूनिट आप इसमें लगा सकते हैं। चाहे आप चिलर की बात कीजिए या फिर जैसे आप कह रहे हैं कि मिल्क ट्रांसपोर्टेशन वैन आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे खड़ी हुई है, उस प्रकार की वैन लेना है, या फिर प्रोसेसिंग के माध्यम से हमारे साथ जो बहन यहाँ पे खड़ी है वो जो है वो पनीर का काम करती है, उसी तरीके से अलग अलग मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो जो मशीनरी इक्विपमेंट चाहिए उसके लिए सब्सिडी और हैंड होल्डिंग डिपार्टमेंट करेगा।